Now we will start exercise 1B in which we will see how to draw a number on a number line. एक number line के ऊपर आपको कोई number दे रखा है rational number, वो rational number आप कैसे draw करेंगे, किस point पे वो rational number है, तो उसके लिए ये method है. इस method को हम question में apply करेंगे और देखेंगे. Let's see. Question number first. Part one. पार्ट वन क्या बोल रहा है, वन बाई थ्री को यू हैव टू ड्रो नंबर लाइन वन बाई थ्री. सो मेथड क्या बोल रहा है, ड्रो ए लाइन, टेक ए पॉइंट ओ ऑन इट. पहले ड्रो ए लाइन, एक लाइन ड्रो कर दिया आपने, ये लाइन आपने ड्रो कर दिया, स्केल की हेल्प से करते हैं. ओके, स्केल से ये लाइन ड्रो कर दी और यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया जीरो. टेक ए पॉइंट जीरो, किसी जीरो नॉट. ओके, टेक ए पॉइंट जीरो ऑन इट, 0.8. उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर लाइन है तो नंबरिंग करनी है आपको, नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग ये 1 हो गया, फिर वो नंबर लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो जितना ये 1 है उतना ही आगे 2 हो जाएगा. नेगेटिव में चाहिए तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 एंड सो ऑन. आगे चल रहे हैं, दिस इज नंबर लाइन. ओके, अब क्या है, नाउ चेंज the number into mixed fraction form. ये जो number है, इस number को mixed fraction form में change करना है. तो mixed fraction form में कैसे change करेंगे? पहले इसको 3 को divide कराएंगे 1 से, तो कितना आएगा? 1 को divide करवाएं 3 से, कितना आंसर आएगा? 0. 3 0 0 आंसर आएगा. तो मेरे को एक बात बताइए, ये divide हो सकता है? नहीं हो सकता. 1 तो वैसे ही लेते हैं, तो इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो ऐसे हो जाएगा, 0 से ही 1/3. ओके, इट इज आल्सो मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन और ये दोनों इक्वल ही है. कैसे है, देखो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें ये ऐड करते हैं. तो देखो 3 × 0 = 0 + 1 = 1. इसके अकाउंट के इसके अकाउंट में जो है वो इसके अकाउंट में आ जाएगा. मींस ये दोनों इक्वल, 0 से ही 1 बाई 3 इसको ऐसे बढ़ते हैं, 0 टू 1 बाई 3 और 1 बाई 3 दोनों इक्वल है. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. नाउ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अब क्या है, थर्ड स्टेप. मिक्स फ्रैक्शन में ये फॉर्मेट होता है, यहाँ जो होता है वो इंटीजर डिस्टेंस होती है, तो इंटीजर डिस्टेंस 0 है अभी. बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू भी 1 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू सी 3 है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, ट्रेवल द इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम 0. 0 से इंटीजर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है. 0 से इंटीजर डिस्टेंस, इंटीजर कितना है इस वाले केस में, ये देखो ये इंटीजर ए, इंटीजर की वैल्यू भी 0 है, तो ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. तो ट्रैवल द डिस्टेंस, ट्रैवल द डिस्टेंस, ट्रैवल द इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम 0, तो 0 से इंटीजर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है. 0 से इंटीजर की वैल्यू कितनी, 0, तो 0 से 0 डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब ये रहना, अगर यहां 1 होता तो अपन 1 डिस्टेंस ट्रैवल करते, अगर यहां -1 होता -1 नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आ जाते हैं. अगर ये 0 है तो यही रहते हैं. ठीक है, ये वाला भी हो गया. देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट. अब आपने ट्रैवल करने के बाद में, ट्रैवल करने के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला. अब आपको नेगेटिव में जाना है पॉजिटिव में जाना है, डिसाइड करो ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई साइड नहीं है पॉजिटिव. तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट है. इसके बारे में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट इनटू द नंबर्स इक्वल टू द डिनोमिनेटर. इस नेक्स्ट पार्ट को आपको डिवाइड करना है, पूरा पढ़ो. देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट को डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इनटू द नंबर्स इक्वल्स टू, उतने नंबर में डिवाइड करना है इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर. जितना डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो डिनोमिनेटर में कितना नंबर लिखा होगा, 3. तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो इस नेक्स्ट पार्ट. सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर क्या 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब क्या बोला, नेक्स्ट नाउ गो टू द पॉइंट. अब उस पॉइंट पे जाओ. अभी अपन कहां थे, 0 पर ही थे, 0 पर थे, नेक्स्ट पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब यहां से जाना है, कहां जाना, नाउ गो टू द पॉइंट व्हिच नंबर, ऑन व्हिच नंबर, उस नंबर पे जाना व्हिच इज इक्वल्स टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी है उतने पार्ट पे जाना है. तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपको 1 पार्ट आगे जाना है. तो यहां से 1 पार्ट आगे जाएंगे तो दिस इज योर फाइनल पॉइंट. नेक्स्ट क्या, दैट विल बी द डिस्टेंस, ये आपका डेस्टिनेशन है. मींस 1/3 जो है वो इस जगह है,
p इक्वल्स टू 1 बाई 3 इस जगह ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, थर्ड आपका होमवर्क है, फोर्थ देखो, फोर्थ में दिखाता हूँ फोर्थ कैसे करना है। फोर्थ है टू से ही टू 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 बाई फाइव, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दी, कंसेंट लाइन ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या, टेक ए पॉइंट जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट ले लिया आपने, जीरो पॉइंट ले लिया इधर, ओके। नाउ चेंज द नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी चेंज है मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। मिक्स फ्रैक्शन ऐसा होता है ए टू बी बी बाई सी, ए इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू कितनी है, ये इंटीजर है टू, ये इंटीजर हो गया, ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो ना, ए यहाँ होता है, बी यहाँ होता है, सी यहाँ होता है, एक इंटीजर यहाँ पर ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो इंटीजर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, ट्रेवल द इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो जीरो से इंटीजर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टू, तो नंबर तो बनाओ उसके लिए, तो यहाँ बना दिया वन, यहाँ बना दिया टू, यहाँ बना दिया थ्री, ये डिस्टेंस आ गई वन टू और थ्री, ओके। अब क्या होगा, ये इक्वल लेनी है डिस्टेंस विद ईयर टू स्केल, ठीक है, स्केल से इक्वल लेनी है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट, आपको कहाँ तक ट्रेवल करना था, इंटीजर पॉइंट तक, इंटीजर पॉइंट कहाँ है, यहाँ से ट्रेवल किए आप इंटीजर पॉइंट टू तक आ गए, यहाँ पर आकर आपने थोड़ी देर स्टे किया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट इनटू द इनटू नंबर्स इक्वल टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करो, इसमें डिनोमिनेटर कितना था 3, तो इसको नेक्स्ट पार्ट के 3 पार्ट में डिवाइड किया 1 2 और 3, यहां डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करो नेक्स्ट पार्ट में, तो ये पूरा पार्ट है 5 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और 5, तो 1 ये 1 पार्ट हो गया, ये हमारा 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 और ये 5, और ये तो 3 एरिया, ओके, तो 1 2 3 4 और 5, ये 3 यहां पर आया, दिस इज योर 3, टोटल 5 पार्ट है बीच में। अब 5 पार्ट में से अब आगे क्या बोला, नाउ गो टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे जाओ, कहां से जाना है अभी, कहां तक ट्रेवल कर गया था, मेरे 2 तक, अब अब क्या करना, नंबर इज इक्वल टू द न्यूमिनेटर, अब न्यूमिनेटर के इक्वल जितने नंबर है, न्यूमिनेटर कितना है 2, तो 2 पॉइंट से जाना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे जाना, दिस इज योर डेस्टिनेशन, इट विल बी p पॉइंट, और p की वैल्यू कितनी है 2 से ही 2 बाय, ये वो पॉइंट, ये नंबर लाइन में ड्रॉ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, इसका फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, सिक्स्थ भी होमवर्क में करना है, सेवन्थ देखो, सेवन्थ में बता रहा हूँ, सेवन्थ क्या है, 4 टू 2 बाय 3, इसको भी आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, मेथड वही है, स्टार्ट करो, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दो एक बार, फिर 0 पॉइंट ले लो, नहीं कभी ये 0 पॉइंट ले लिया हो, क्योंकि नेगेटिव में नंबर नहीं चाहिए इसलिए अपन इधर ले लिया, पॉजिटिव में नंबर चाहिए इसलिए इधर ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है, नंबर 4 तक है, 4 तक तो 1 2 3 4 5, अब क्या है, इंटीजर फॉर्मेट में सबसे पहले नाउ चेंज द नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज यही है, पॉइंट जीरो ले लिया, फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप ट्रेवल द डिस्टेंस, ट्रेवल द इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से इंटीजर डिस्टेंस, इंटीजर की वैल्यू कितनी है, ये इंटीजर, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, इंटीजर डिस्टेंस 4 ट्रेवल करनी है, 1 2 3 4 यहां तक आ गए, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर गए आप यहां तक आ गए, यहां पर आकर आप स्टे किए, उसके बाद में क्या, देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट इनटू नंबर्स इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट पार्ट को आपको डिवाइड करना है, कितने नंबर को डिवाइड करना है, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के जितने वैल्यू हो उतना नंबर्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसको नेक्स्ट पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 ये पार्ट फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, नाउ गो टू द पॉइंट, अब उस पॉइंट पे जाना है, व्हिच नंबर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर, जिसका नंबर उस पॉइंट का नंबर, ये फर्स्ट पॉइंट का नंबर, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो उस नंबर को उस पॉइंट पे जाना है जिसका नंबर न्यूमिनेटर के इक्वल, न्यूमिनेटर के इक्वल कितनी है 2, तो
सेकंड पॉइंट पे जाना, तो ये फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड, यहां पर जाना। तो दिस इज योर पी पॉइंट मींस 4 3 2 by 3, ये जो नंबर है वो यहां शो होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, और इसके सेवंथ के बाद में इसका एट पार्ट भी है क्या? यस, इसका एट पार्ट है। इसका एट पार्ट तो बहुत इजी है, एट डायरेक्ट आपको शो करना है। तो ऐसे ही नंबर लाइन लेंगे आप, बता देता हूँ, नंबर लाइन लेंगे डायरेक्ट उसके ऊपर एट पर चले जाएंगे और एट पर उसको पॉइंट शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भी रेशनल नंबर तो है ही, मीन्स फ्रैक्शन पार्ट फोर जो एट पार्ट है इसका वो तो एट है। तो एट तो डायरेक्ट हो जाएगा जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, तो यही पॉइंट है क्योंकि इसके आगे तो पार्टिंग है। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है इसे, वो भी यही है, नंबर को ड्रॉ करना। उसमें फर्स्ट पार्ट है, बट सेकंड में क्या क्या है कि नेगेटिव नंबर। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन पॉजिटिव नंबर ड्रॉ करना सीखे, सेकंड पार्ट के अंदर नेगेटिव नंबर। लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड का, उसको देखते माइनस हो गए थे, इसको आपको ड्रॉ करना है। तो लेट्स, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले ड्रॉ ए लाइन, लाइन ड्रॉ कर देते, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जीरो। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव वाले लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों करेंगे? ये नंबर लाइन हो गया। ओके, माइनस। अब क्या बोला, टेक ए पॉइंट, जीरो जीरो पॉइंट ले दिया। नाउ चेंज द नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कर लेते हैं, या कोई भी नंबर में जीरो लिख देते हैं, माइनस जीरो वन बाई थ्री। फिर ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जीरो, बी की वैल्यू वन, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये आपका हो गया इंटीजर। आई फॉर इंटीजर, एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। ओके, अब क्या है, ट्रेवल द इंटीजर डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से इंटीजर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इंटीजर कितना है, जीरो, तो जीरो से जीरो डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब अभी भी कोई नहीं है। फिर आगे देखते हैं, एंड देन डिवाइड द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को नेगेटिव में, तो नेगेटिव में नेक्स्ट पार्ट इधर होगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में नेक्स्ट पार्ट इधर होगा। ओके, तो नेगेटिव में नेक्स्ट पार्ट को लेफ्ट साइड में होगा, और पॉजिटिव में राइट, नेक्स्ट पार्ट को राइट साइड में होगा। तो नेक्स्ट पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इनटू इक्वल्स टू न्यूमरेटर नंबर, सॉरी डिनोमिनेटर नंबर। तो डिनोमिनेटर कितना है इसमें, थ्री। इस पार्ट को जीरो के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। तो वन टू थ्री, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, जितने पार्ट करते हैं तो पॉइंट एक कम आएगा। जैसे यहाँ थ्री पार्ट करना है, बीच में कितने पॉइंट आएंगे, केवल दो पॉइंट आएंगे। समझा रही बात? ओके, अब आपको क्या करना है, अब उसके बाद में यहाँ से कितने पॉइंट ट्रेवल करना, उतने पॉइंट ट्रेवल करना है जितना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है वन, तो आपको वन पॉइंट ट्रेवल करना है। तो यहाँ से वन पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट आपको यही होगी, फिर की वैल्यू कितनी, माइनस वन पॉइंट। ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड आपका होमवर्क होगा, सेकंड आपका डेफिनेटली होमवर्क। थर्ड पार्ट देखो, माइनस वन से थर्ड पार्ट, माइनस वन से टू बाई थ्री, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इंटीजर वापस हुई, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन, टेक ए पॉइंट, ओके, यस, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, टेक ए पॉइंट जीरो ले लिया, नेगेटिव नंबर ले लिया, नेगेटिव नंबर ले लिया, माइनस वन, माइनस टू। अब क्या है, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में ऑलरेडी चेंज है, मींस ये आपका आई हो गया इंटीजर पार्ट, ये आपका न्यूमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। फिर क्या, ट्रेवल द इंटीजर डिस्टेंस, इंटीजर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो, जीरो से, तो जीरो से इंटीजर डिस्टेंस कितनी, माइनस वन, माइनस वन की तरफ चलो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हम यहाँ पर आकर अभी स्टे किया हुआ, वेट कर रहे हैं, इधर कितना जाना है। क्या बोला, अब नेक्स्ट पार्ट को डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना, थ्री, थ्री पार्ट में डिवाइड करो नेक्स्ट पार्ट, तो वन टू थ्री, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट। अब क्या, अब यहाँ से कितना आगे जाना, कितना न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर कितना है, टू, तो वन टू यहाँ तक जाना, तो दिस विल बी योर फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पी, पी इक्वल्स टू माइनस वन से टू बाई थ्री। ओके, फोर्थ आई थिंक एच डब्ल्यू, फोर्थ एच डब्ल्यू, फिफ्थ भी आपका एच डब्ल्यू है, सिक्स देख लो, ये दोनों एच डब्ल्यू, सिक्स क्या है देखो,
माइनस टू टू फाइव माइनस सिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जीरो कंसिडर करेंगे, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, फिर क्या है इसको देखो तो ये इंटीजर पार्ट है, ये न्यूमिनेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है। फिर क्या ट्रेवल डिस्टेंस, इंटीजर डिस्टेंस ट्रेवल करने फ्रॉम जीरो से, तो जीरो से इंटीजर डिस्टेंस कितनी है माइनस टू, माइनस टू ट्रेवल करो, यहाँ से चलते चलते आप यहाँ आए, यहाँ आते स्टे किया थोड़ी देर, स्टे किया। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितने हैं सिक्स, तो आपको नेक्स्ट पार्ट को छः पार्ट में डिवाइड करना है। नेक्स्ट पार्ट को छः पार्ट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर फिफ्थ सिक्स, छः पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। छः पार्ट में डिवाइड करने के बाद में अब क्या, अब आपको यहाँ से आगे कितना ट्रेवल करना है, जितना न्यूमिनेटर है मेथड ले लेना, न्यूमिनेटर वन न्यूमिनेटर फाइव टू फाइव पार्ट, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पॉइंट तक आपको ट्रेवल करना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट, जिसकी वैल्यू होगी माइनस टू टू थ्री फाइव बाई सिक्स, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाएगा। ओके, फिफ्थ मैंने बता दिया, सॉरी ये सिक्स मैंने बता दिया, और सेवन्थ और एट्थ ये दोनों ही आपके होमवर्क है, सेवन्थ और एट्थ। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन समझ लो कि ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जीरो होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर होता है, समझ आ रही बात। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, ये जीरो पॉइंट है, ये जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, दिस इज राइट हैंड साइड and this is left hand side, समझ आ रही है ना। अब आपको स्टेटमेंट देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पार्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, पार्ट फर्स्ट बोलो माइनस थ्री बाई फाइव लाइज इन द लेफ्ट, माइनस थ्री बाई फाइव, माइनस थ्री बाई फाइव, तो माइनस थ्री बाई फाइव जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर लेफ्ट पार्ट में होगा कि नहीं होगा, यस। तो क्या बोला, माइनस थ्री बाई फाइव लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, क्या जीरो के लेफ्ट में लाइज करता है, यस लाइज करता है, ऑन द नंबर लाइन, यस। This is first one is true. Second, minus 12 by 7, minus 12 by 7 lies to the left of 0 on number line, not in right. So, ये statement क्या बोल रहा है कि minus 12 by 7 lies in right side. Minus 12 by 7 right side में lies करता है. Minus 12 by 7 negative number to the left side में right. स्टेटमेंट बोल रहा है कि माइनस ट्वेल्व बाई सेवन लाइज इन लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, स्टेटमेंट क्या है कि माइनस ट्वेल्व बाई सेवन लाइज इन राइट साइड, ट्रू एक गलत बात है, नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट साइड में लाइज करता है, सो इट इज फॉल्स, रॉन्ग बात बोली है। थर्ड वन बाई थ्री, एक तो वन बाई थ्री नंबर बोल रहा है, वन बाई थ्री एक नंबर के बारे में बोल रहा था माइनस फाइव पॉइंट, अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कौन से पार्ट में लाई करेगा, राइट साइड वाले पार्ट में, और ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट में लाई करेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अब क्या बोल रहा था, ये दोनों नंबर जो है अपोजिट साइड में लाई करेंगे क्या, दिस एंड दिस बोथ नंबर लाइज इन द अपोजिट साइड सो जीरो, क्या ये जीरो के अपोजिट साइड में लाई करेंगे, यस। एक नंबर राइट साइड में और एक नंबर लेफ्ट साइड में, एक नंबर ये वाला नंबर जो है इधर लाई करेगा, क्या बोला फोर्थ में, एक दो नंबर दे रखे, एक तो माइनस एटीन बाई माइनस थर्टीन, इस नंबर के बारे में बोल रहे हैं इज इट विल लाई इन लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो पहले इसको देखो, आप एक माइनस देख के डायरेक्ट ये सोच लेना कि एक नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट साइड में लाई करेगा, ये भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रही बात, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो अब क्या नंबर बचा, ये तो पॉजिटिव हो गया, 18 बाई 13 हो गया, ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर किधर लाई करता है, राइट साइड नहीं कि लेफ्ट साइड, क्वेश्चन में बोल रहा है इट विल लाई इन लेफ्ट साइड, सो इट इज आल्सो फॉल्स।
because it lies in right side. That's all.